आज हम लोग जाने वाले जैनेश्वर मिश्रा पार्क। ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। वो 107 एकड़ का था, ये 370 एकड़ का है। 260 फुट ऊंचे मॉन्यूमेंटल फ्लैग यहाँ। एकदम परफेक्ट डे पे आए हम लोग। आज जैनेश्वर जी का बर्थडे है, मतलब जिनके नाम पे पार्क है उनका बर्थडे। पार्क घूमने के लिए गाड़ी है। बैठो बैठो पापा, बैठो पीछे। पूरे पार्क में देखो म्यूजिक बज रहा है ना, सुन रहा आपको। क्लाउड हो गया, देखो क्या क्लाइमेट है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। बाप रे बाप, आज इन्हें धूप ने जान ले ली है, क्योंकि आज है ना सुबह से इतनी धूप पड़ रही है यहाँ पे, इतनी धूप, वो भी कड़क वाली धूप, मतलब बाहर ही नहीं निकल सकते आप। हम लोग सुबह सुबह बाहर निकलना चाहते, मगर पापा थोड़ी देर के लिए सुबह बाहर जाके रिटर्न आ गए तो वीकनेस हो गया उनको, हमने कैंसिल कर दिया बाहर जाना। अभी लगभग 4:30-5 बज रहा है, थोड़ा मेलो डाउन हो गया है, धूप थोड़ा शांत हो गया है, निकला जा रहा है। आज हम लोग जाने वाले हैं जैनेश्वर मिश्रा पार्क। ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क इस जैनेश्वर मिश्रा पार्क। इंडिया का नहीं, एशिया का इतना बड़ा पार्क है। लास्ट वाला पार्क 107 एकड़ का था, ये वाला पार्क 376 एकड़ का है। साइकिल लेकर घूमना पड़ता है भाई अंदर, इतना बड़ा पार्क है। तो इसलिए जा रहे मम्मी लोग को सोचा आज थोड़ा पार्क वार्क घुमा लेते हैं। और मम्मी कैसे लग रहा है निकल के बाहर? फाइनली बहुत गर्मी लग रहा है। पापा का तो सुबह सुबह हालत खराब हो गया था गर्मी में। गर्मी बहुत है ना, तुमको नहीं फील हो रहा है? बैठो 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 बैठो। कहाँ गए वो लोग? भी आ रहे ना वो लोग, स्कूटी में आ रहे। हाँ चलो भाई, चलो 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 जल्दी चलो निकलो। चलो विकास सारा मंजाड़े को देखो उधर, कैसे क्या हो गया, कपड़े सुखा रहा है शादी होने के बाद। मैं बच्चा होने का एक्चुअली। अभी हम लोग तो स्कूटी में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी है हमारे ससुर जी के पास। इलेक्ट्रिक स्कूटी में जा रहे हैं ना, पार आवाज ही नहीं करती बिल्कुल भी। शाबाश, स्कूटी चालू आ गया नहीं चालू पता भी नहीं चलता। चले एकदम, मैं बैठ गया आप बैठो आराम से। अरे वाह, इलेक्ट्रिक स्कूटी में मालूम ही नहीं पड़ता है चल रही है नहीं चल रही है ना पावर इसमें, चार्ज चार्ज है, फुल टेंशन नहीं। तो क्या बता रहा था मैं, जैनेश्वर मिश्रा पार्क जा रहे हैं हम लोग। अखिलेश के ज़माने में बना था क्या? अब जब जब जो जो मुख्यमंत्री बना है उसने अपना अपना पार्क बनाया ना। मुख्यमंत्री बने तो अम्बेडकर पार्क बना था मायावती के टाइम पे, अभी अखिलेश के वक्त हुआ है जैनेश्वर मिश्रा पार्क। अभी योगी के वक्त कुछ बना के नहीं, योगी ने पार्क नहीं बनाया, वो सबको काम पे लगा दिया उसने। आज सुबह का प्लान तो हमारा इमामबाड़ा जाने का था, बड़ा इमामबाड़ा, मगर इतनी धूप थी ना बाहर निकलने का मन नहीं किया। मम्मी पापा बोले हम नहीं जाएंगे बाहर। कल का प्लान कुछ बड़ा बन रहा है, कुछ डिफरेंट बन रहा है कल, मतलब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। और मगर वो कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ हटके, कुछ बड़ा होने वाला है। अभी फिलहाल जैनेश्वर मिश्रा पार्क जाते। एकदम परफेक्ट डे पे आए हम लोग, क्या बोलो। आज जैनेश्वर जी का बर्थडे है, मतलब जिनके नाम पे पार्क है उनका बर्थडे। तो आज टिकट फ्री है भाई, एंट्री फ्री है आज। हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था इस बात का, उन्होंने हमें इनवाइट किया है, उन्होंने बर्थडे केक काटने के लिए इनवाइट किया है। मगर नहीं, सही में एकदम फ्री है आज सबके लिए। ये देखो यहाँ पे टैंक इतना बड़ा, जीता जागता टैंक है भाई, वो असली असली टैंक है, ओरिजिनल है। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पार्क है यार लखनऊ में। ये लो इतने लोग आए हम लोग साथ में। पापा ये उससे भी बड़ा पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। वो 107 एकड़ का था, ये 370 एकड़ का है। सही में बहुत जगह है लखनऊ में। नेता लोग पार्क ही बना रहे, नेता लोग पार्क ही बना रहे। कंपटीशन है यहाँ पे, मैं बड़ा बनाऊंगा तो बड़ा बनाना। अंदर 8 किलोमीटर लंबा रेडियस है शायद ये। और यहाँ पे अंदर है ना गाड़ी है, यहाँ पे घूमने के लिए पार्क, घूमने के लिए गाड़ी है, और पार्क के साथ साथ घूमने के लिए ना आपको क्या बोलते साइकिल वगैरह भी है, साइकिल से भी आप पार्क घूम सकते हो। इतना बड़ा पार्क है, इतना ब्यूटीफुल, इतना बड़ा। इनके नाम का पार्क है और इनका ही बर्थडे आज। ये देखो फाइटर, गाड़ी मंगा रहे भाई पार्क घूमने। 8 किलोमीटर का पार्क है, पार्क के अंदर गाड़ी होता है, गाड़ी घुमाती है पूरा पार्क। एक घंटे में पार्क घुमा देगा, एक घंटा गाड़ी में भी घूमने लग जाएगा। थोड़ा उजाला इसीलिए पार्क घूम लेंगे तो अच्छा है, वरना फिर अंधेरे में दिक्कत हो जाएगी ना। अभी हम लोग चलते चलते घूमेंगे 370 एकड़ तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी भाई। इन लोग से होने वाला नहीं, इन लोग तुम लोग से होएगा नहीं ना। मछली बोल रहे यहाँ पे बहुत है क्या, कहाँ है? हाँ वहाँ पे देखो, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ डाल दीजिए, कितना मछली मछली वो देखो कितना है वहाँ पे। अरे बाप रे बहुत है। आ गया गाड़ी, आ गया गाड़ी, आ गया भाई। गाड़ी में घूमते थोड़ा। बैठो बैठो पापा, बैठो पीछे। पापा बैठे, अरे
आपको तो ले जाना है। आप बैठिए बैठिए, होगा क्या? पहले साइकिल वगैरह था यहाँ पे, अभी बोल रहे साइकिल नहीं है। अब मिलेगी 10 तारीख को मिलेगा साइकिल। साइकिल अभी नहीं है, मतलब फिलहाल अभी के लिए नहीं है, 10 तारीख के बाद से मिलेगा। अच्छा, ये अपने अपनी साइकिल लेके आगे घूम रहे, वरना इधर अंदर रेंट का साइकिल मिलता है। लास्ट टाइम जब आया था तब था रेंट का साइकिल, इस बार नहीं, अभी 10 तारीख के बाद मिलेगा बोल रहे। सब नीम का पेड़ है, नीम का, आंवला का, पूरा नीम का खुशबू आ रहा है ना। हाँ ना, गाड़ी में आना वर्थ नहीं है। क्यों पता है क्या, बहुत तेज़ी से दौड़ा रहा है भाई। हमको लगा कि 1 घंटा घुमाएगा, मगर वो तो भाई 10-15 मिनट में निपटाने का ट्राई कर रहे हैं वो लोग। चलो बैठो 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 बैठो, 260 फुट ऊंचे मॉन्यूमेंटल फ्लैग यहाँ पे। ओहो कितना मस्ती करा, देखो ये देखो तिरंगे के पास आ गए भाई हम लोग। तिरंगा खुला हुआ है, बहुत ऊँचा तिरंगा ये, और झंडा देखो हमारा तिरंगा। पूरे पार्क में देखो म्यूजिक बज रहा है ना, सुन रहा है आपको, म्यूजिक बज रहा है यहाँ पे। जितना बड़ा पार्क है उतना स्पीकर वगैरह लगाया उन्होंने, म्यूजिक वगैरह बज रहा है। बहुत अच्छा बनाया यार, बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस है। अभी पीछे एक्चुअली सनसेट हो रहा है, मम्मी लोग वहाँ पे बैठे झंडे के पास, हमारा ड्राइवर आ रहा है 10-15 मिनट में, तो उसका वेट कर रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे आता, बोटिंग होता है यहाँ पे, बोटिंग वगैरह आप कर सकते हो यहाँ पे, मगर बोटिंग अभी फिलहाल बंद है। वो बोल रहे हैं कि टेंडर वगैरह पास नहीं है, इसलिए बोटिंग नहीं कर सकते, वरना यहाँ से बोटिंग होता है। बोटिंग का एक्स्ट्रा चार्जेस है, अब वो जो है वो है। और एक जुरासिक पार्क करके, वो पार्क भी चालू होने वाला है 15 तारीख के बाद, उसका भी एंट्री फीस अलग से होगा। तो बहुत बड़ा पार्क है, बहुत कुछ हो रहा है इसके अंदर, मज़ा आएगी आप लोग आओगे तो। मगर 15 तारीख के बाद ही आना, बोटिंग वगैरह चालू होगा, जुरासिक पार्क वगैरह खुल जाएगा, तो मज़ा आएगी 15 अगस्त के बाद। क्या क्लाउड हो गया, देखो क्या क्लाइमेट है, एक नंबर क्लाइमेट। और साथ में म्यूजिक बैकग्राउंड बजे जा रहा है, बस एक नंबर। 7:30 को ना लेजर शो चालू होता है, जो चालू हो रहा है अभी, चालू हो गया, चालू हो गया। हम पिछवाड़ा देखने लेजर शो का टिकट लोगे 50 रुपये, तो वहाँ पे बैठ के देख सकते हो, सामने पिछवाड़े से देख रहे हम लोग पीछे से। लेजर शो के लिए सामने पब्लिक कम है, पीछे साइड जा रहा है, सब अपनी जैसी है, टिकट का पैसा बचा रहे 50 रुपया। 7:42 हो गया अबे, हम लोगों को बस ऐसे शोपीस बना के बैठा दिया है ना, उल्लू बना दिया इसने, तो चालू नहीं किया। वहाँ पे क्राउड नहीं है, यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, शायद इसके लगता है हम लोगों ने चालू नहीं करे, साइड भी बंद कर दिया सामने का। वो देखो उन लोग भी वेट कर रहे हैं, लगभग अलग कपल है भाई, लुलू मॉल वाला कपल है वो। हाँ यार, इसने यहाँ तो उल्लू बना दिया, हम लोग चालू नहीं किया यार शो, पता नहीं क्या सीन हो गया। 8 बज गए, अभी हम लोग जा रहे घर। 45 मिनट वेट किया, ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, अभी जा रहे घर भाई हमारे साथ। जैसे ही गेट के बाहर निकले तो चालू हो गए, तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, जैसे गेट से बाहर निकले चालू हो गए। अरे वाह, ये देखो गणपति बप्पा मोरिया, जोरदार था यार ये तो। इतना टाइम बैठे अंदर तो चालू नहीं हुआ, जैसे ही बाहर निकला पार्किंग के पास स्कूटी निकालने गया, चालू हो गया। स्कैम कर दिया उन्होंने यार, स्कैम हो गया। 7:30 का टाइमिंग था, 8:15 बजे तक चालू नहीं हुआ, अभी चालू हो रहा है। मम्मी लोग भागे अंदर देखने के लिए, हम भी भाग रहे। इसको तो सामने से देखना चाहिए था इनका, हाँ ये फ्रंट ही देखना चाहिए था, ये तो उल्टा कर दिया हमने। हाँ तुझको बनाने में, अरे यार वहाँ से क्लियर दिखता रहेगा ना, वहाँ से सामने से केसरिया देख लेते हम वहाँ से यार। पानी में केसरिया था, हाँ पानी में केसरिया आता। ऐसा तो ठीक है, ये पीछे से देख सकते हैं।
फाइनली देखने तो मिला, कम से कम बैक साइड से देखा, मैं देखा देख लिया, हमको लगा कि आज देखने नहीं मिलेगा। ये एक्स्ट्रा है क्या, क्या है रबड़ी? मस्त है। हाँ रबड़ी खाने आ गए हम लोग, पत्रकार। मम्मी लोग गए घर। अच्छा मम्मी लोग घर गए रिक्शे में, हम स्कूटी में आ गए। मगर रबड़ी इतना ही बचा था लास्ट में, खत्म हो गया था उधर, जो बच्चा कुचा समेट के खा रहे हम लोग। लस्सी खाने आए थे यहाँ पे, लस्सी अच्छा मिलता है यहाँ पे। ये पत्रकारपुरम में मनीष ईटिंग पॉइंट है ना, उसके एकदम सामने दुकान, छोटा सा है मगर लस्सी अच्छा मिलता है, एक नंबर। फाइनली 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 गए घर, आ गए घर, आ गए। अभी मस्त सो जाएंगे और खो जाएंगे। यस आई नो कि ब्लॉग थोड़ा लेट चालू हो रहा है एंड जल्दी ख़त्म हो रहा है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, लेट उठने में नहीं होता है, ये धूप की वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही है, एंड सिर्फ मेरे को नहीं हो रही, मम्मी पापा को भी हो रही है दिक्कत। अभी कैसा है, मैं अकेला रहूँगा ना तो मस्त निकलता हूँ कभी भी और आता हूँ कभी भी, मगर मम्मी पापा के साथ में उनको, मम्मी पापा को घुमाना भी है और साथ में ब्लॉग भी करना है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है वो, एंड इसका कोई सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि देखो उनके हिसाब से निकलना पड़ता है, उनके हिसाब से रिटर्न आना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आई नो छोटे छोटे ब्लॉग बन रहे हैं बट फिलहाल एडजस्ट कर लो। मैं भी कभी पेरेंट्स के साथ निकल के ऐसा ब्लॉग नहीं किया मैंने, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, एंड कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे ब्लॉग क्रिएट करूँ, भले छोटे हो पर अच्छे हो, अगले वाले ब्लॉग से ट्राई करते हैं। तो एनीवेज गाइस, इट इज़ टाइम टू एंड दिस ब्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। If you like this video, please hit the like button below and do subscribe my channel, guys. You can also follow me on Facebook, Twitter, and Instagram. Links are in the description below. Tim Bradley, KC Data. And more. Chaate raho chalo guys, Bradley ka milta hu next vlog mein. Bye.